इसको बाप। आप यहाँ पे देख बैक साइड। उड़ना जाता है ना सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोस्तों, ये जो सांप देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बड़ा साइज का रेड स्नेक है। इसको हम दहमने से बोलते हैं, और ऐसे दुकान में वगैरह चूहा वगैरह होता है तो चूहा को खाने के लिए सांप ऐसे दुकान में वगैरह आ जाते। और ये जो है बहुत ही फुर्तीला ऐसा स्नेक, आप देखते होंगे कितना एक्टिव है। ये टोटली बिना जहर वाला है, इसको हम दामन ऐसे बोलते हैं और घोड़ा पचड़ ऐसे ही बोलते हैं। बहुत ही एक्टिव ऐसा स्नेक है और काटने की कोशिश कर रहा है, और अपने गर्दन से वो थोड़ा गुरगुरा ऐसा आवाज निकाल रहा है। अब हम इस दामन स्नेक को ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए तुरंत इस डिब्बे में डाल देते हैं। एक्टिव ऐसा स्नेक है, अटैक करने की वगैरह कोशिश कर रहा है। यहाँ दुकान में बहुत ही चूहे वगैरह है, तो चूहा खाने के लिए वो अंदर आया हुआ दुकान में। डिब्बे में जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रवीण ये तो है मत के लेते और इसने अभी बहुत ही गंदा स्मेल छोड़ा है। मैं आपको यहाँ के लोगों को स्मेल भी दिखाने वाला हूँ। हम जिस तरह से पकड़ते हैं, ऐसा कभी वीडियो वगैरह देख के पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि दो तीन दिन पहले हमारे बारामती में एक आदमी ने वीडियो देख के पकड़ने की कोशिश की और उसको रसल वाइपर जहरीले सांप ने काट लिया था और उसकी मौत भी हो गई। तो कभी वीडियो वगैरह देख के पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो और हमने इस सांप को सक्सेसफुली पकड़ लिया, और यहाँ के जो लोग हैं ये भी काफ़ी हैप्पी हुए कि हमने इनके दुकान का ही सांप पकड़ लिया। और कभी भी सांपों को नहीं मारना चाहिए। आपके घर में वो अगर कभी सांप निकलते तो हमारा स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर भी दिया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बारामती और तालुके के लोग। और अगर आपके नज़दीकी कोई स्नेक फ्रेंड नहीं है
तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सांप मारते तो अपने नेचर पे बहुत ही इसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो कभी भी सांपों को मारना नहीं चाहिए, उसको नेचर में वगैरह रिलीज करना चाहिए। और ऐसे हमारे आने वाले सांपों के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।